बड़वानी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पानसेमल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बाजरी के ग्राम मेंद्राना में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिसे मनाने रिटर्निंग ऑफिसर पानसेमल तहसीलदार राजेश सत्य भी गांव में पहुंचे थे। लोगों से अपील की लेकिन कोई नहीं माना। 638 मतदाता वाले गांव मेंद्राना के बूथ क्रमांक 106 वोटिंग समय खत्म होने के बाद बताया जा रहा है। यहां मात्र 10 लोगों ने मतदान किया है। हालांकि इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां मौजूद नहीं था। वहीं ग्रामीणों की माने तो ये विकास के नाम पर अब तक सिर्फ छलते ही आए हैं, इसलिए आज मतदान का हिस्सा नहीं बने। उनकी माने तो तहसीलदार आए थे, लेकिन ग्रामीण चाहते थे कि कलेक्टर गाँव में आए और लोगों से बात करें, लेकिन कलेक्टर नहीं आए। शायद प्रशासन को मतदान की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह से सुर्खियों में रहे ग्राम मेंद्राना में 638 मतदाताओं में मात्र 10 लोगों ने वोटिंग की है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पानसेमल से सर चित्ते की रिपोर्ट। नाम आपको? मेरा नाम उद्धव ओंकार पटेल, ग्राम पटेल। वोटिंग नहीं हो रही है, क्या कारण है? ग्राम पंचायतों के द्वारा बहुत विकास कार्य किया गया, इसलिए ग्राम बहिष्कार करता है। मतदान का बहिष्कार हो रहा है? मतदान का बहिष्कार करते हैं कि इन्होंने कुछ भी किया डकारने के से। नहीं, बिंदु पूरा लेवा। कितने समय से चल रहा है सर? ये तो पूरा 15 साल से चल रहा है। कोई निर्माण कार्य नहीं? ग्रुप ग्राम पंचायत बालजी होके ग्राम मेंद्राना अलग होता है, इसलिए यहाँ विकास कार्य नहीं होता। खाली मेंद्राना वोटिंग नहीं कर रहा है या और कोई अन्य जगह? ये तो हमें पता नहीं, हमारे गाँव के द्वारा बहिष्कार किया गया मेंद्राना के द्वारा। अभी तक कोई नहीं गया वोटिंग करने? एक भी वोटिंग नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम मीना घनश्याम पटेल है, मैं मेंद्राना की गांव की निवासी हूँ। क्या चुनाव का बहिष्कार क्यों किया जा रहा आज? चुनाव का बहिष्कार वो जो इतने साल से कुछ गांव में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं, गांव में बहुत सारी कमियां है, जो सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं, सांसद लोग भी आते हैं, सीओ साहब भी आते तो क्या करके जाते, कुछ नहीं करके जाते। बीच में अभी 2 महीने पहले भी आया था कोई सांसद, वहां भी हमने लेटर लिख के दिया था कि हमारे गाँव में नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, बिलाटी में ऐसी गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे वो ध्यान नहीं देते। लिख के लेके गए, कुछ उसकी कुछ उन्होंने सूचना दी नहीं कि तुम्हारे गांव में ये कर देंगे कि वो करेंगे, बस बोल के जानते हैं पर करते कुछ नहीं है। गांव में लाइनें भी इतनी एक 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 महीने तक पानी की सुविधा नहीं रहती, हमको मोटर जल जाती है तो वहाँ सरपंच सचिव को बोलते हैं तो तुम्हारे हर महीने का तुम्हारा यही परेशानी है। तो कोई परेशानी रहेगी, सरपंच सचिव को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे हम? और खंभों पे इतने साल हो गए, खंभों पर अभी तक इस गांव में लाइट नहीं है तो फिर इसका कौन करेगा? आज हमारा मेंद्राना गांव रोड टच है तो गांव में पूरी सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोड पे बॉर्डर नहीं है, गली में नालियां नहीं है, लोग उन गड्ढे खोद खोद के और नालियों का पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो गंदगी नहीं हो रही तो क्या हो रही है हमारे गाँव में? क्या नाम है आपका? माधव पटेल। समय खत्म हो गया है, वोटिंग नहीं करी आप लोगों ने? हमारे यहाँ विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है, पूर्व सरपंच भी चले गए, वो भी चले गए, न नाली है, न रोड है, न गटर है, न लाइट लगी हुई है, सभी विकास में मतलब इन्होंने ना दरकरार कर दिया। और उसके बाद में भ्रष्टाचार बहुत किया है इसमें, इस पंचायत के अंदर। कौन था आपका भ्रष्टाचार करने वाला? ये पंडरीनाथ सचिव। किसका इंतजार कर रहे थे आप वोटिंग करने के लिए? हम तो कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे, कलेक्टर साहब नहीं आए तो तहसीलदार साहब आए थे, पर हमको उससे संतुष्टि नहीं हुई इसलिए हम बहिष्कार कर रहे। निर्माण कार्य को लेकर कई बार शिकायत करी थी आपने? कई बार हमने शिकायत कर चुके हैं। क्या हुआ था उसके? कुछ भी नहीं हुआ उसके बारे में, आज तक कुछ नहीं हुआ। सर, जो लोगों के दौरान चुनाव का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? लोगों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार मेंद्राना गांव है ये और बालजीरी पंचायत यहाँ पर लगती है। ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर मुझे पता चला कि यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाता है, तो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश किया। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत को लेकर, उनको समझाने की कोशिश किया किंतु वो उस चीज़ को मानने को राजी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव का बहिष्कार नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर 4 वोट डल चुके हैं ऑलरेडी, अब ये एक विरोध में बदल चुका है। कितने मतदाता सर यहाँ पे? कुल 600 समथिंग कुछ मतदाता है। और समझाने की कोशिश की जाएगी सर इनको डराने की? समझाने की कोशिश किया गया है, समझ नहीं रहे हैं, उनको कहा गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ पर वार्ड कितने हैं सर? वार्ड जो है यहाँ पर 6 वार्ड। तो सभी मतदाताओं ने मतलब बहिष्कार किया है? नहीं, हमारे यहाँ पर 4 मतदान दल गए हैं। अच्छा, तो बहिष्कार का तो प्रश्न नहीं उठता है, विरोध हुआ है। सर, मुख्य कारण क्या रहा है? पंचायत की समस्याओं को देखिए, गांव की समस्याओं को देखिए। क्या समस्या बताइए? रोड की है, पानी जल वगैरह है। सर, जनता बता रही है कि कई बार शिकायत करी, निराकरण हुआ? उचित फोरम पे
हमारे तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। पहले बता रहे हैं कि सी ओ वी ओ साहब के यहाँ पर शिकायत की गई है, अब जांच करवाते हैं। ये जांच का विषय है कि क्या आवेदनों का निराकरण हो। क्या लगता है सर, करेंगे लोग मतदान? देखो शाम तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।